फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज का टॉपिक है रिचेस्ट डांसर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको और भी क्या कहते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ऑप्टेन रिचेस्ट डांसर एंड सो डैट इट इज़ सिमेट्रिक। क्या कि हमें रिचेस्ट डांसर बताना है क्या होता है और शो करना है कि इट इज़ सिमेट्रिक, कि ये रिचेस्ट डांसर होते हैं वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ओके। या फिर इसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आर ए आई जे के। ये जो टेंसर है वो क्या है, रीमन क्रिस्टोफर टेंसर है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैसे कॉन्ट्रेक्शन होता है इसमें। तो रीमन क्रिस्टोफर टेंसर आर ए आई जे के मे बी कॉन्ट्रैक्टेड इन टू डिफरेंट वेज। वन ऑफ दीज लीड्स टू द जीरो टेंसर एंड अदर टू द सिमेट्रिक टेंसर आर आई जे, ओके, विच इज नोन एज रिचेस्ट टेंसर। जो क्या है, कह रहा है कि अगर हम जो टेंसर है ये वाला उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो टू डिफरेंट वे में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका। एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वो जीरो टेंसर देगा और दूसरी बार में वो क्या देता है, सिमेट्रिक टेंसर देता है, और जो सिमेट्रिक टेंसर होगा वही क्या कहलाया जाएगा, रिचेस्ट टेंसर, ओके। आओ इसका प्रूफ देखते हैं। वी नो डैट जो क्रिस्टोफर रीमन क्रिस्टोफर टेंसर होता है उसे कैसे लिखा जाता है, आर बीटा आई जे के। मैंने यहाँ पर ए लिया था, आप यहाँ बीटा या ए कुछ भी ले सकते हैं, ओके। तो आर बीटा आई जे के इक्वल्स टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स के बीटा आई जे प्लस डेल ओवर डेल एक्स जे बीटा आई के माइनस अल्फा आई जे बीटा अल्फा के प्लस अल्फा आई के बीटा अल्फा जे। इसे कैसे याद करेंगे, देखो इसे याद कैसे करना है। देखो जो के है, पहले सिंबल देखो, प्लस माइनस सिंबल देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके पुट कर लिया। फिर क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करना है, लास्ट में यहाँ के है ना, तो उसे पहले के से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, डेल ओवर डेल एक्स के। अब के से डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है, तो बचा गया हमारे पास बीटा आई जे बचा, तो यहाँ पर बीटा आई जे लिख दिया। अब क्या करना है, जे के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो प्लस डेल ओवर डेल एक्स जे बचा क्या, बीटा आई के बचा, तो बीटा आई के, ओके, इन दोनों के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट हो गया। अब माइनस, दो बड़ी बड़ी क्रिस्टोफर सिंबल्स की ब्रैकेट लगाई है हमने। फिर इसमें क्या करना है, जैसे कि बीटा आई जे है यहाँ पर, तो इसको क्या करना है, अब डायगोनली देखना है, तो इधर बीटा आ जाएगा, इधर आई जे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बीटा ये आ गया, आई जे इधर आ गया, अब हमारे पास के बच रहा है, तो मीन्स इसके नीचे के आ जाएगा, और जो यहाँ पर स्पेस खाली रह जाएगा वहाँ पर क्या लगता है, कोई एक टमी सफिक्स हमें पुट कर देना है, ठीक है, ओके। इसी तरह अगर हम इस वाले क्रिस्टोफर सिंबल्स को देखो तो बीटा आई के है, मीन्स ये डायगोनली जाएगा, आई के फर्स्ट उसमें आ जाएगा और बीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या, देखो जे बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जे पुट कर दिया, अब यहाँ पे स्पेस रह जाएगा, तो यहाँ पर एक डमी सफिक्स हमें पुट करना है, जिस अल्फा, ओके। नाउ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टिंग ओवर आई एंड बीटा, पुटिंग आई इक्वल्स टू बीटा बी है। क्या करना है, पहले हमें आई की जगह पे बीटा पुट करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है, इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा। आर बीटा बीटा आई, आई की जगह क्या लग दिया, बीटा रख दिया, तो बीटा जे के इक्वल्स टू, जहाँ पर भी हमारा आई था वहाँ बीटा पुट कर दिया और कुछ भी नहीं करा, तो माइनस डेल ओवर डेल एक्स के बीटा बीटा जे प्लस डेल ओवर डेल एक्स जे बीटा बीटा के माइनस अल्फा बीटा जे बीटा अल्फा के प्लस अल्फा बीटा के बीटा अल्फा जे, ओके सिंपल है। अब क्या करना है, हमें इंटरचेंजिंग करना है डमी सफिक्स अल्फा एंड बीटा इन लास्ट टू टर्म्स,
अब यहाँ देखो, अगर हम इसको अल्फ़ा बीटा जो डमी सफिक्स हैं उसको इंटरचेंज कर दें, इट मीन्स कि या फिर इसमें हम चेंज कर दें या इस वाले में चेंज कर दें ताकि ये दोनों कट सकें, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा की जगह बीटा पुट करते हैं, बीटा अल्फ़ा जे, तो मीन्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। देखो तो आर बीटा बीटा जे के इक्वल्स टू, इन दोनों ब्रैकेट में कोई चेंजेस नहीं करा है, टर्म्स में सॉरी, माइनस डेल ओवर डेल एक्स के बीटा बीटा जे प्लस डेल ओवर डेल एक्स जे बीटा बीटा के माइनस, यहाँ पर मैंने क्या करा, टच चेंज कर दिया, अल्फ़ा की जगह बीटा पुट कर दिया, तो बीटा जहाँ पर बीटा था वहाँ अल्फ़ा पुट कर दिया, अल्फ़ा जे यहाँ पर बीटा है तो अल्फ़ा, और यहाँ पर अल्फ़ा है तो बीटा के, प्लस अब ये वाला जो टर्म है वो इसके इक्वल हो गया, इट मीन्स ये प्लस में है और ये माइनस में, इससे और इससे कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए हमने करा था ये, ठीक है। अब हमें पता है कि जो बीटा बीटा जे की जो वैल्यू होती है वो डेल ओवर डेल एक्स जे लॉग अंडर रूट जी होती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और इसे याद करने क्या कि ये तो सब में सेम रहेगा, ठीक है, और जो जे है उसके साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर बीटा बीटा जे के इक्वल्स टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स के, ये तो वैसे ही रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएट, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन डेल एक्स जे, किसके साथ, जे बच रहा है तो नीचे जे के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर के बचेगा तो के साथ करेंगे, तो प्लस डेल ओवर डेल एक्स जे डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। अब नाउ अब अगर ये देखा जाए दोनों टर्म्स तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है, तो आर बीटा बीटा सॉरी आर बीटा बीटा जे के इक्वल्स टू जीरो, ओके। नाउ सेकेंड में क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टिंग ओवर के एंड बीटा डैट इज पुटिंग के इक्वल्स टू बीटा, हाँ हमें क्या करना है कि हमें के की जगह पे बीटा पुट करना है, तो सिंपल है, तो आर बीटा आई जे बीटा इक्वल्स टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स बीटा बीटा आई जे प्लस डेल ओवर डेल एक्स जे बीटा आई बीटा माइनस अल्फा आई जे बीटा अल्फा जे अल्फा बीटा प्लस अल्फा आई बीटा बीटा अल्फा जे, ओके। नाउ अब क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करना है, जैसे कि हमें इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, और किसकी पता है, और इसकी पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करना है और बाकी सब ऐसे रहने देना है, तो माइनस डेल ओवर डेल एक्स बीटा बीटा आई जे प्लस डेल ओवर डेल एक्स जे डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन डेल एक्स आई, ठीक है, इसकी जगह ये आला आ गया माइनस, और ये तो सेम ही रहेगा, अल्फ़ा आई जे डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन डेल एक्स अल्फ़ा, ठीक है, इस वाली टर्म की जगह इस ये वाली वैल्यू, और ये सब सेम रहेगा, तो अल्फ़ा आई बीटा बीटा अल्फ़ा जे, क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं। अब नाउ अगर हम देखें क्वेश्चन टू को, तो जो ये वाली जो इक्वेशन है टू, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर आई जे लिख सकते हैं, ठीक है, तो आर आई जे इक्वल्स टू, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आर जे आई की, और ये क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है क्योंकि आर आई जे इक्वल्स टू आर जे आई हो गया, तो टेंसर द टेंसर आर आई जे इज कॉल्ड रिचेस टेंसर, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ओवर किस में, अब थर्ड है, द कॉन्ट्रेक्शन ओवर जे एंड बीटा डैट इज पुटिंग जे इक्वल्स टू बीटा डज नॉट ईड्स एनी न्यू टेंसर, बिकॉज क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम बीटा किसकी जगह जे की जगह बीटा पुट करते हैं तो क्या होगा, आर बीटा आई बीटा के इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि हम ऐसे से कैंसिल आउट नहीं कर देना, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसे स्क्रू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी से सफिक्स को इंटरचेंज करेंगे, तो माइनस आर बीटा आई के बीटा
इक्वल्स टू माइनस आर आई के, ठीक है। हैंस वी गेट विच इज द आंसर विथ निगेटिव साइन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, ये विच इज द आंसर है विथ निगेटिव साइन के साथ। तो आर बीटा आई बीटा के इक्वल्स टू माइनस आर आई के, ओके। तो यही थी रिचेस्ट आंसर हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।